नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी भाई लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर हम दो पावरफुल और पॉपुलर एम्पलीफायर के बीच में कंपैरिजन करने वाले हैं, वो भी टेस्टिंग के साथ में। क्योंकि दोस्तों, हम इन दोनों ही एम्पलीफायर के बीच में कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ही एम्पलीफायर का प्राइस आपको सेम देखने को मिलता है, यानी कि 55 से 57 हज़ार रुपये के आसपास आपको दोनों ही एम्पलीफायर का प्राइस देखने को मिल जाएगा, जो आपको एनलेब X7 एंड MT1601 दोनों एम्पलीफायर देखने को मिलते हैं। और हम इसकी अगर थोड़ा बहुत डिटेल से जानते हैं तो दोनों एम्पलीफायर का आपको डंपिंग फैक्टर 1000 देखने को मिलता है, और दोनों ही एम्पलीफायर का अगर हम वेट के बारे में बात करें तो ये आपको 44 किलो वेट देखने को मिलता है, और इसका आपको वेट देखने को मिलता है 47 से 48 किलो के समथिंग। अगर हम 4 ओम के ऊपर आउटपुट के बारे में बात करें दोनों एम्पलीफायर के ऊपर, और ये एम्पलीफायर आपको 4 ओम के ऊपर आउटपुट देता है 3500 वाट के आसपास, और ये देता है आपको 2250 वाट। दोनों ही काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और काफ़ी ज़्यादा बिकने वाले एम्पलीफायर है, और दोनों ही काफ़ी ज़्यादा अभी तक के जो ट्रेंड में चल रहे हैं, और वो तो काफ़ी ज़्यादा पुराना है, अभी ये 3-4 साल पहले ही आया था, और ये भी काफ़ी ज़्यादा बिक रहा है और काफ़ी ज़्यादा भाई लोग यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने सोचा दोनों ही एम्पलीफायर का प्राइस एक ही है, तो दोनों का हम टेस्टिंग करते हैं। अगर आप इन दोनों ही एम्पलीफायर के ऊपर अलग से वीडियो देखना चाहते हो, अगर आप ज़्यादा इनका डिटेल जानना चाहते हो, तो उनके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो देख लीजिए। तो आज हम सिंपली दोनों ही एम्पलीफायर का टेस्टिंग करते हैं दोस्तों, तो चलिए हम टेस्टिंग की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास दोनों ही पावरफुल एम्पलीफायर, जैसे कि आप देख सकते हो, ये है एनलेब का X7 और ये है MT1601, और दोनों का प्राइस इक्वल है, आपको 2-3 हज़ार रुपये का डिफरेंस देखने को मिलता है, इसलिए हम इनका कंपैरिजन कर रहे हैं। आज ये हम नहीं देखते हैं दोस्तों कि इसका 4 ओम पे आउटपुट 3500 देखने को मिलता है या इसका 2250। आज हम देखते हैं कि ये जो एम्पलीफायर है, इसको हमारा एक दोस्त है वो 5-5 इंच वॉइस कॉल वाले, जैसे कि ATI Pro का है YX वाला, वो 4 ओम पे चला रहा है 2 से 3 साल तक, और ये जो है 1601 का NX Audio का MT1601 ओरिजिनल, इसके ऊपर 5-5 इंच वॉइस कॉल वाले ये वाले जो दो डुअल बेस है, इनको मैं चला रहा हूँ 2 से 2.5 सालों तक, मेरे को कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता है, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और इनको काफ़ी अच्छे से चलाता है इन बेस को। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि दोनों एम्पलीफायर का कंपैरिजन तो बनता है, तो इसलिए मैं आपके लिए कंपैरिजन वीडियो लेके आया हूँ। आउटपुट डिटेल के बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हैं, और मैंने आपको बता दिया है कि प्राइस की अकॉर्डिंग हम इनका कंपैरिजन कर रहे हैं, क्योंकि दोनों का सेम हमको प्राइस देखने को मिलता है 55-57 हज़ार रुपये के आसपास। कई भाई लोग बोलेंगे कि इसका 50-52 हज़ार रुपये के आसपास प्राइस देखने को मिलता है, बट दोस्तों वो उस टाइम पर देखने को मिलता है जब कोई ऑफर वगैरह देती है कंपनी। और ये एक ओरिजिनल एम्पलीफायर है, इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, जिस GST बिल सहित कई को डाउट हो कि अगर ये डुप्लीकेट है तो उनके लिए मैं बता दूं, तो आप वीडियो देख सकते हो। तो दोनों का यहाँ पे पावर जैसे कि ऑफ कर दिया है, 0 वॉल्यूम है, और यहाँ पे भी इसका पावर ऑफ है और 0 वॉल्यूम है। तो पीछे मैं आपको कनेक्शन दिखा देता हूँ कंपेरिजन के लिए। यहाँ पर हमने दोनों डुअल बेस है, इसके अंदर भी आपको ATI Pro PD 1850 वाला 5 इंच वॉइस कॉल वाला दोनों स्पीकर देखने को मिलता है, इसके अंदर भी आपको ATI Pro PD 1850 वाले दोनों स्पीकर देखने को मिलते हैं सेम। आपको डाउट नहीं रहना चाहिए, तो आप यहाँ पे स्पीकर का लुक देख सकते हो, दोनों का आपको सेम देखने को मिलता है। तो अब हम क्या करते हैं, पीछे कनेक्शन जान लेते हैं कि हमने कनेक्शन कैसे किया है। तो यहाँ पर दोस्तों आप कनेक्शन देखिए, इस एम्पलीफायर के एक चैनल पर हमने एक डुअल बेस दिया है ये वाला, इसका वायरिंग कलर आप देख सकते हो, और यहाँ पे हमने स्पीकॉन लगाया है जिसका कलर आप यहाँ से मैच कर सकते हो इस एम्पलीफायर पे, और इसका जो हमने यहाँ पे वायरिंग कलर देख सकते हो, और यहाँ पे हमने जो लगाया है यहाँ पे कलर देख सकते हो। तो MT1601 के ए चैनल पे एक डुअल बेस दिया है जस्ट इसी के नीचे वाला, और X7 के ए चैनल पे भी हमने इसी के नीचे वाला एक डुअल बेस दिया है, और क्रॉसओवर लगाया है। क्रॉसओवर का अगर कनेक्शन के बारे में हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो चैनल ए का लो है, दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो चैनल ए का लो है इधर वाला, ये ब्लैक वायर से हमने यहाँ पे एनलेब X7 के चैनल ए के अंदर इनपुट दिया है। सेम उसी कलर से हमने ये जो ग्रीन कलर देखने को मिलता है ये वाली केबल से MT1601 को कनेक्शन किया है। बैक पैनल सेटिंग देख सकते हो हमने यहाँ पे हमने 1601 के अंदर लिमिटर ऑन कर रखा है, सेंसिटिविटी 775 है, और पैरेलल कर रखा है, बाईपास कर रखा है यानी लो पास नहीं कर रखा है, 30 हर्ट्ज़ ऑफ है, इसको ऑन कर देते हैं।
और दोस्तों फ्रीक्वेंसी को हमने ऑफ कर रखा है और ग्राउंड ऑन कर रखा है। सेम ही हमने बैक पैनल सेटिंग इसके अंदर कर रखी है, जैसे कि 0.775 यहाँ पे, और पैरेलल कर रखा है, लो पास को हमने ऑफ कर रखा है और हाई पास को भी यहाँ पे ऑफ कर रखा है, ग्राउंडिंग ऑन है और लिमिटर ऑन है। मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप लिमिटर ऑन करके ही एम्पलीफायर पे चलाइए, क्योंकि जहाँ तक हो सकता है तो इस लिमिटर के थ्रू आपका स्पीकर और एम्पलीफायर सेफ रहता है। अगर आप लिमिटर ऑफ करके चलाते हो तो आप लिमिटर ऑफ करने के बाद में हर सॉन्ग जैसे आपका चेंज होता है उसके बाद आप एम्पलीफायर को चेक करिए कि आपका एम्पलीफायर क्लिप पे कितना जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग वॉल्यूम को कम कीजिए। और यहाँ पे हमने मिक्सर यूज किया है एनएक्स ऑडियो का, और यहाँ पे 10 किलोवाट का डीजे का स्टेबलाइजर है, और कनेक्शन मैंने यहाँ पे बता दिया है। कई भाई लोगों के मन में डाउट न आए इसलिए मैंने यहाँ पे क्रॉस ओवर को मोनो करके बस ए ही चैनल के अंदर से यहाँ पे इसको और यहाँ से आउटपुट निकाल के इसके क्रॉस ओवर को इनपुट दिया है, क्योंकि ए चैनल से आपको यहाँ पे क्रॉस ओवर के बी चैनल के अंदर ए चैनल के दोनों को एक ही वॉल्यूम यानी कि एक ही इनपुट देखने को मिलेगा यहाँ से इसी के थ्रू। तो यहाँ पे एक इनपुट किया है जिसके थ्रू हमने दोनों को एक ही यहाँ पे आउटपुट मिले इसी के थ्रू। तो यहाँ पे हमने ये कर लिया है कनेक्शन, आप देख सकते हो जस्ट एनएलएब X7 के अंदर ये वाला डुअल इसके अंदर दिया है, और जस्ट MT1600 के नीचे वाला डुअल इसके अंदर दिया है। तो यहाँ पे स्टेबलाइजर ऑन कर लेते हैं, तो यहाँ पे स्टेबलाइजर देख सकते हो हमें यहाँ पे वोल्टेज मिल रहा है दोस्तों 240, और मिक्सर को भी ऑन कर लेते हैं। यहाँ पे मिक्सर हमारा ऑन हो चुका है, और तो यहाँ पे हम सामने एम्पलीफायर को भी ऑन कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम सामने दोस्तों एम्पलीफायर को भी ऑन कर लेते हैं। मैं आपको बता दूं यहाँ पे हम वॉल्यूम को फुली रखेंगे दोनों के, X7 के और 1601 के, यहाँ पे आप देख सकते हो, और क्रॉस ओवर के भी आप यहाँ पे देख सकते हो, जस्ट हमने बीच में रखा है लो की वॉल्यूम को भी, और यहाँ पे भी हमने लो के वॉल्यूम को बीच में रखा है जस्ट फुल रेंज पे, एकदम दोनों का वॉल्यूम फुल सेटिंग सबका सेम रखा है। और हम मिक्सर के थ्रू सॉन्ग प्ले करके यहाँ पे हम टेस्टिंग दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे हमने इसको स्लाइडर को बढ़ा दिया है, और यहाँ पे सिग्नल आ रहा है, और बुद्ध को हमने जस्ट बीच में रखा है मास्टर को बुद्ध को, और यहाँ पे हम सामने चलते हैं एम्पलीफायर्स का वॉल्यूम बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे हम एम्पलीफायर्स को ऑन करते हैं दोस्तों, पहले वॉल्यूम कम करके दोनों का ही, फिर एक साथ में फुल कर देंगे। ये ऑन हो चुका है, 1600 क्या है लिमिट पे जाता है जैसे हम इसका वॉल्यूम बढ़ाते हैं, ये क्या है ना, ये क्लिप जो होता है यानी कि लिमिटर जो होता है ये शो ही नहीं करता, आप कितना भी वॉल्यूम बढ़ा दो लगभग। इसको भी ऑन करते हैं, तो इसका पावर आ चुका है यहाँ पे देख सकते हो, और ये भी ऑन हो चुका है। तो दोनों का वॉल्यूम फुल करते हैं, पहले 1600 का करते हैं, ¡Gracias!
टेस्टिंग से पता चल गया होगा कि दोनों एम्पलीफायर का रेस्पॉन्स कैसा है। मेरे को तो दोनों का ही लगभग सेम लगा है। अगर चलने के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको दोनों की मैं एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज बता देता हूँ। जिसका जो ये पावर बटन है ये सिंपल आता है, और जो एम टी का जो पावर बटन आता है इसके अंदर एम सी बी टाइप का आता है, जैसे कि अगर ये कई बार अगर ओवरलोड हो जाए ना तो एकदम से नीचे गिर जाता है। जैसे अपना जो लाइट के अंदर जैसे स्टेबलाइजर के अंदर जो एम सी बी सिस्टम होता है ना वो नीचे गिर जाता है ना, उस टाइप से। और इसके अंदर आपको दो फैन देखने को मिलते हैं पीछे की तरफ, और इसके अंदर आपको चार फैन देखने को मिलते हैं, दो पीछे और दो आगे। और इसका रेस्पॉन्स आपने देख लिया है कि दोनों का हमने सेम वॉल्यूम के अंदर एम्पलीफायर के चारों वॉल्यूम नॉब्स को हमने फुल कर दिया था। क्रॉसओवर का भी हमने वॉल्यूम सेम रखा था, मिक्सर से भी हमने सेम ही वॉल्यूम मिला दिया था इन एम्पलीफायर्स को। और यहाँ पे आपने अपनी आंखों से देखा होगा इनका रेस्पॉन्स कैसा है, तो आप अपने अकॉर्डिंग भी ले सकते हो। और मैं अपनी बताऊँ तो मैं तो 16-0 यूज़ कर रहा हूँ, और ये जो एनलेब का X7 है ये हमारा कोई भाई यूज़ कर रहा है तो उसको भी काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, ये जो एनलेब का X7 है ना दोस्तों, एक हमारा भाई है जो 2000 वाट का स्पीकर यूज करता है, उसके तो दोनों स्पीकर को जला दिया है, दो स्पीकर को, बट दो नहीं जलेते। और क्या पता उसको चलाना आता तो है बट किसी ना किसी गलती की वजह से उसकी तरफ से जल गया था हमारा जो भाई था। बट ये दूसरा एनलेब X7 है जो अभी आज मैं किसी भाई से लेकर के आया हूँ, वो भाई जो है इसे एम्पलीफायर के ऊपर चार बेस चलाता है, जैसे कि ऑडियो टोन का 1200 वाट की दो बेस स्पीकर इस पर, और 1200 वाट की दो बेस स्पीकर इसके दूसरे चैनल पे है। बट ये 1200 वाट के बेस स्पीकर को भी नहीं उड़ाया X7 ने, तो MT16 की तो बात ही अलग है, सभी जानते हो। बट ये जो 2000 वाट वाले स्पीकर जो थे मेरे भाई के पास, उसके पास जले थे स्पीकर। अब शायद क्या पता किस कारण की वजह से जले हैं, क्योंकि उस टाइम पे मैं था भी नहीं उसके पास में, उस एम्पलीफायर के पास में। उस टाइम पे दो चीज़ें हुई थी शायद, वोल्टेज की वजह से हुआ था। एक बार तो उसका जो ये एम्प्टी ये जो एनलेब X7 का जो पावर केबल था ना वो शायद स्पार्किंग करके अंदर से पूरा जल गया था, उस वजह उस टाइम पे भी स्पीकर जले थे वो 2000 वाट वाले YX सीरीज वाले ATI Pro के। बट हमारे पास तो ये PD वाले हैं। आप ये मत समझो दोस्तों कि वो मेरे पास जले थे, अगर मेरे पास जले होते वो स्पीकर तो मैं आपको एकदम क्लियर रिव्यू देता कि वो किस कारण से वो स्पीकर जले थे। बट मैंने आपको बता दिया ये एनलेब X7 की वाली स्टोरी कि ये तो दूसरे भाई से लेके आया हूँ जो 1200 वाट वाले चार स्पीकर चलाता है, एक चैनल पे दो, वो भी एक डेढ़ साल से चला रहा है, तो उसके कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरे भाई के पास भी X7 है जिसके जला दिए। बट अभी क्या है ना, उस भाई के पास जो ये X7 है ना मेरे भाई जो 2000 वाट वाला चलाता है, उसके क्या पता किस कारण से एक चैनल भी बंद है, अंदर से प्रॉब्लम आ गई थी, अभी तक उसने ठीक नहीं कराया है। इस एनलेब X7 की स्टोरी ये है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये एम्पलीफायर बिल्कुल ख़राब है, अगर ख़राब होता तो ये जो भाई इस एम्पलीफायर का जो ओनर है हमारे मेरा दोस्त, उसके जो ये 1200 वाट चला रहा है ना इसके एक चैनल पे दो और एक पे दो, तो अगर ये ख़राब होता तो 1200 वाट की स्पीकर को जलाता ऑब्वियसली, कि अगर 2000 वाट को जला रहा है तो बस किसी ना किसी कारण के बस उस भाई का जल रहा है। अभी तक तो वो ठीक नहीं, क्योंकि वो एम्पलीफायर काफ़ी टाइम से ख़राब हुआ पड़ा है, किसी दूसरे एम्पलीफायर से चला के वो अपना टाइम निकाल रहा है, और अभी वो जब रिपेयर कराएगा तब बना सकते हैं कोई वीडियो कि किस कारण से वो जला होगा। तो जो भी एक रिव्यू था दोस्तों मैंने आपको दिया है कि X7 का कैसा रिस्पॉन्स चला के भी दिखाया है, और इस X7 पे जो दो भाई यूज़ करते हैं मेरे, एक तो ये वाला ऑडियो टोन 1200 वाट वाला चलाता है और एक 2000 वाट वाला चलाता है, दोनों के साथ क्या हुआ 1200 वाट का ही जला नहीं रहा, क्या पता वो 2000 वाट वाले के पास में जो है उस वाले पीस के अंदर क्या पता प्रॉब्लम हो, और इसका ऐसा रिस्पॉन्स है। और ये जो अपना 16-01 है इसको मैं खुद चला रहा हूँ 2 से 2.5 सालों के साथ में, इन स्पीकर के साथ में लिमिटर ऑन करके, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक मेरे को इस एम्पलीफायर में भी, कोई दिक्कत नहीं आई है। मैंने वीडियो बनाया था 1.5 साल पहले, शायद 2 साल हो गए होंगे, उसका भी लिंक नीचे है आप देख सकते हो, तो मेरे को भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। आप देखिए कि उसका आर्मस पावर 2250 है, बट इन दोनों का ही डंपिंग फैक्टर काफ़ी ज़्यादा है, और ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एम्पलीफायर है। इसको बहुत बड़े बड़े यानी कि जो बहुत बड़े यूट्यूबर है सभी रिकमेंड करते हैं कि 5 इंच वॉइस कॉल वाले दो बेस स्पीकर इस पर चला सकते हो। मैं आपको आज खुलेआम बोल रहा हूँ कि कोई मैंने ऐसे छुपाने की बात नहीं है, ये 2000 वाट बोलती है कंपनी ATI Pro PD850 वाली, ये 420 ये मेरे ही है और इस 16-0 पे चला रहा हूँ 2 सालों से, कोई दिक्कत नहीं आई मेरे को, और काफ़ी अच्छा प्रेशर मिलता है इस एम्पलीफायर से भी। बट क्या नाम है, जब ये 16-0 लिया था ना
बेल लेना तो चाहता था 20.01, उस टाइम पे 20.01 नहीं मिला, इस वजह से मैंने 16.01 की लिया था। 18.01 लॉन्च नहीं हुआ था दोस्तों, तो अब क्या है मैं भी इसको चेंज करूँगा, जैसे कि 16.01 था ये 20.01 लेके आएंगे, उन पे चलाएंगे इन 5.5 वॉइस कॉल वाले बेस स्पीकर को, तो और काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल का प्रेशर देखने को मिलता है। अगर दोस्तों आप एक नए डीजे सेटअप लेना चाहते हो तब मैं आपको उस कंडीशन के अंदर रिकमेंड यही करूँगा कि आप 16.01 की तरफ जा सकती हो, क्योंकि ये एक रफ एंड टफ एम्पलीफायर है, ये भी है, बट उस टाइम पे तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप ये लो, क्योंकि ये अगर आप जैसे कि इसका अगर लिमिटर ऑन है ना, तो आप इसको कैसे भी चलाओ, जैसे कि आवाज़ क्रॉस ओवर से फुल कर दो, कैसे भी कर दो, इसका जो लिमिट है ना वहीं तक जाएगा, स्पीकर को नहीं जलाएगा, क्योंकि ये मैंने खुद फील किया है। तो नए भाई लोगों के लिए है, X7 की तरफ भी जा सकते हैं नए भाई वो लोग, बट इसको मैंने सुना है 2-3 बार स्टोरी, ये हो गया 1200 वाट का नहीं जल रहा है, 2000 वाट जल गया, उस कारण से जो नए वाले जो भाई लोग हैं हमारे उनको मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। अच्छा एम्पलीफायर ले सकते हो, बट नए जो भाई लोग हैं उनके लिए मैं 16.01 की रेफ़र करूँगा कि आप वही एम्पलीफायर ले, बट ओरिजिनल ले। ओरिजिनल और नकली जो एम्पलीफायर होते हैं 16.01 के, बहुत ही काफ़ी ज़्यादा एम्पलीफायर है, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा है, वो भी आप देख सकते हो, फिर आप ये 16.01 लीजिए। दोनों ही काफ़ी अच्छे एम्पलीफायर आप ले सकते हो, प्राइस भी दोनों का लगभग सेम ही है, रिस्पॉन्स आज आपने इस वीडियो के अंदर देख लिया है। तो आई होप दोस्तों आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा, और इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिली होगी। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको ऐसी वीडियो आपके भाई के द्वारा मिलते रहे। तो चलिए अब वीडियो को एंड करते हैं, तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद दोस्तों।